टिहरी गढ़वाल में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज गणमान्य सदस्यों के साथ 4 दिवसीय तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और विभिन्न राज्यों से आए 514 खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि 35वीं सीनियर पुरुष और महिला राष्ट्रीय खेल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के तहत 4 दिवसीय तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शानदार आगाज हो चुका है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 22 टीमों के लगभग 514 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। वहीं इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया है। साथ ही उत्तराखंड को देव भूमि के बाद आप खेल भूमि के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का मैं समझती हूँ कि आज नेशनल चैंपियनशिप की जो शुरुआत होने जा रही है, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि 2025 का जो नेशनल गेम उत्तराखंड को अलॉटेड है, जिसकी तैयारी उत्तराखंड बहुत लंबे समय से कर रहा है और जिसका आयोजन 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और जिसकी शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से होगा, ऐसा विश्वास है। ऐसे का महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले यहाँ टिहरी में नेशनल चैंपियनशिप कैनोइंग और कैकिंग का होना अपने आप में साफ संकेत है कि अपने इस टिहरी झील में आगे कैनोइंग और कैकिंग की नेशनल गेम भी जो है यहाँ होने जा रहे हैं, ये टिहरी वालों के लिए भी और नेशनल गेम के हिसाब से पूरे प्रदेश के लिए भी। अपने पहाड़ी जनपद में एक झील का पूरी तरीके से जो कह सकते हैं सदुपयोग खेल के क्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट के क्षेत्र में होने जा रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी और टिहरी वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से आज के इस चैंपियनशिप के माध्यम से हमारे को ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो आगे चल के जो है नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये चैंपियनशिप उनके लिए एक ऊर्जा का काम करेगा, उनको प्रोत्साहन करने का काम करेगा। आज मैं उन्हीं को शुभकामनाएं देने आई हूँ, साथ ही टिहरी वालों को ये आश्वस्त